हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, मैं लेके आ गया हूं इंडियन नेवी AMR के लिए एक और प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे। और इसमें मैंने 18+ का लक्ष्य रखा है, यानी कि 18+ अगर आप करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, और अगर इससे कम होता है तो फिर इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जैसा कि मैं करवाता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं, जो कि आपको पता चलेगा आगे जब जाओगे तो आप। और सभी क्वेश्चन को कोशिश करना कि खुद से सॉल्व करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद का दिमाग लगाओगे उतना ही फायदा आपका ही होगा। और ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना लास्ट में कि आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 25, और बिल्कुल सच सच बताना। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना इंडियन नेवी AMR की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है आज का, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज ए स्टेक, हुज ओपिनियन वाज दिस? तो सीले, अब्राहम लिंकन, जियोवंस और प्लूटो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीले। सीले का यह मत था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ठीक है, ये सीले का था। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज ए स्टेक इज सीलेज ओपिनियन, या फिर वाज सीलेज ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? कैश रिजर्व रेशियो इज ए टूल ऑफ, ऑप्शन है कर नीति यानी टैक्स पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, कृषि नीति, एग्रीकल्चरल पॉलिसी और राजकोषीय नीति यानी ट्रेजरी पॉलिसी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौद्रिक नीति। नकदी रिजर्व अनुपात जो है ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। कैश रिजर्व रेशियो इज ए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? हु वाज दी ऑथर ऑफ दी तेलुगु वर्क अमुक्त माल्यदा? देवराय, हरिहर, कृष्णदेव राय और बुक्का। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णदेव राय वाज दी ऑथर ऑफ दी तेलुगु वर्क अमुक्त माल्यदा। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कृष्णदेव राय था। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। चार नंबर है, शेर शाह की महानता किसमें निहित है? शेर शाह ग्रेटनेस लाइज इन हुमायूं पर जीत, विक्ट्री ओवर हुमायूं, श्रेष्ठ जनरल होना, टू बी ए सुपीरियर जनरल, प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, सेकुलर एटीट्यूड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रशासनिक सुधार जो है वो शेर शाह की महानता में निहित है, यानी शेर शाह ग्रेटनेस लाइज इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, ये इसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँच नंबर हमारा, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? वेन वाज दी लास्ट टेलीग्राम सेंट टू इंडिया? जुलाई 30, 2013, अगस्त 1, 2013, जुलाई 14, 2013 और जून 14, 2013। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जुलाई 14, 2013 को भारत में अंतिम टेलीग्राम भेजा गया। द लास्ट टेलीग्राम वॉज सेंट इन इंडिया इन जुलाई 14, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? 1972, 1980, 1973 और 1974। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, यहीं से शुरुआत हुई थी। इन 1973 वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सवाल है कि ये तो हो गया कि पहला मनाया कब गया था, लेकिन आपको बताना है कि ये हर साल यानी प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइज। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सात नंबर, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? वेयर इज़ द आइडिया ऑफ प्रिलिमिनेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिराइव्ड फ्रॉम? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और रसिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि
ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिया गया है सरकार के संसदीय रूप का विचार, ठीक है। द आइडिया ऑफ प्रीलिमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेराइव्ड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड सेफ्टी रेजर? स्टीव चेर, जिलेट, लॉर स्ट्रॉस और स्टीव जॉब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिलेट। जिलेट ने आविष्कार किया सेफ्टी रेजर का, यानी जिलेट इन्वेंटेड सेफ्टी रेजर, याद रखिएगा। किसने किया था? जिलेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 40 डिग्री एन अक्षांश किसके बीच सीमांकन करता है? बिटवीन व्हाट डज लैटिट्यूड 40 डिग्री एन अमेरिका और कनाडा, अमेरिका एंड कनाडा, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, नॉर्थन एंड साउथन वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, मिस्र और सूडान, यानी इजिप्ट एंड सूडान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका और कनाडा। जो ये अक्षांश है 40 डिग्री एन, ये सीमांकन करता है अमेरिका और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रेट रेसिशन विच न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट अनाउंस द न्यू सिस्टम फॉर इकोनॉमिक रीइंबर्समेंट? रूजवेल्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब्राहम लिंकन और जे एफ कैनेडी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन ए, यानी कि रूजवेल्ट। रूजवेल्ट जो थे, इन्होंने महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की थी। ये जो थे, ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट रेसिशन द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अनाउंस द न्यू सिस्टम फॉर इकोनॉमिक रीइंबर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? हु वाज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? तानसेन, राणा प्रताप सिंह, हुमायूं और टोडरमल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोडरमल। टोडरमल जो था, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। टोडरमल वाज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? 28 फरवरी, 5 जनवरी, 14 मार्च और 2 जून। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 28th ऑफ फरवरी ईच ईयर। और ये किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? फिरोज शाह मेहता, डी एन वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। वह प्रथम भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? विच इज डिस्क्राइब्ड इन द रेड डाटा बुक? जीवाश्म पादप यानी फोजिल प्लांट्स, संकटापन पादप और जीव जंतु यानी इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। केवल संकटापन पादप, वनली इंडेंजर्ड प्लांट्स और केवल विलुप्त जीव जंतु, वनली एग्जिंक्ट एनिमल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संकटापन पादप और जीव जंतु का नाम रेड डाटा बुक में दिया गया है, इनका विवरण दिया गया है, ठीक है। यानी कि इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डिस्क्राइब्ड इन द रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट नेशनल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? द इंडियन रिव्यू, दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन सी, ये इन तीनों में से कोई भी नहीं थी स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी, यानी कि नन ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट नेशनल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर?
हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन, बाढ़ प्रचालन फ्लड ऑपरेशन और स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्वर्ण क्रांति। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो बागवानी से संबंधित है, यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर? ब्यास, रावी, यमुना और सतलुज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यमुना। यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है, कालिंदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। वैदिक नाम यही है यमुना नदी का, ठीक है। कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ यमुना रिवर, यमुना का नाम है कालिंदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? When was the High Court of Himachal Pradesh established? 15th of April 1948, 1st of November 1966, 15th of August 1947 और 26th of January 1971। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले एग्जाम में इंडियन नेवी के, यानी कि The High Court of Himachal Pradesh was established on 26th of January 1971. याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नार्म स्थित है? The National Academy of Agricultural Research Management NARM is located at नई दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर और नैनीताल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद में, ये हैदराबाद में स्थित है। गाइज यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए। पहला तो ये फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है नार्म का, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, याद रखिएगा। और दूसरा सवाल हो गया कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? रैम, रोम, सीपीयू, मदरबोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर का दिमाग उसके सीपीयू को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st नंबर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड? पंजाब, उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया? चेनानी नासरी, जवाहर, विक्ट्री और लेह। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चेनानी नासरी इज द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी है, याद रखिएगा ये सवाल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा 23rd नंबर, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, अमाशय स्टोमेक, मलाशय यानी रेक्टम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबा भाग है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है 2nd-last question, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? हु कंपोज्ड ग्रामर इन संस्कृत लैंग्वेज? वाल्मीकि, तुलसीदास, पाणिनि और कालिदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की है, यानी कि पाणिनि कंपोज्ड ग्रामर इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, सौर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलार सिस्टम? बुध यानी मरकरी,
शुक्र वीनस, बृहस्पति जुपिटर और शनि सैटर्न। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र यानी कि वीनस। वीनस जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज वीनस, या फिर वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। शुक्र हो जाएगा सबसे गर्म ग्रह जो सौरमंडल का है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं कि अभी जुपिटर के पास सबसे अधिक जो उपग्रह होते हैं यानी जो मून्स होते हैं वो हैं, और उनकी संख्या है 67। जानकारी अभी 79 की है, लेकिन अभी कुछ के बारे में पूरा कंफर्म डिटेल्स मालूम नहीं है, तो 67 अगर ऑप्शन में आए तो आप 67 पे टिक कर सकते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट के। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ भी कर सकते हो। चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, साथ ही साथ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप जाकर के ज्वाइन जरूर से कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।